सेम टाइप के, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम क्वालिटी, सेम दिखने वाले पैनल देख के मैं तो बोर हो गया हूँ। और उसी बोरियत को दूर करने के लिए सोचा कुछ टीचर्स क्रिएटर्स के लिए क्रिएटिव इनोवेटिव एआई बेस्ड पैनल सर्च करूं। इस इंडस्ट्री में कोई तो होगा जो उस पर काम कर रहा होगा। तो कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, तो ये एआई बेस्ड पैनल क्या चीज है। बस उसी खोज में मैं निकला और कुछ महीनों पहले मैंने बुलवा लिया एक डिजिटल बोर्ड अपने स्टूडियो में। वहां पर हमने उसकी अनबॉक्सिंग की खोलकर, और इस बार हमने उसे किसी वॉल पर हैंग नहीं किया, हमने हमारे स्टैंड पर उसको लगाया ताकि उसकी हार्डवेयर की ड्यूरेबिलिटी भी हम देख पाए, ठोक बजा कर टेस्ट कर पाए। हार्डवेयर में तो ये पैनल पास हुआ। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो एंड ऑफ द डे जो टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। तो हमने क्या किया, उसके सॉफ्टवेयर को ओपन किया, अलग अलग टीममेट्स, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग लोगों को उस पर टेस्टिंग करवाई, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से उसके हर टाइप के एक्सपीरियंस को कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद में आज मुझे लगा कि ये सही टाइम है जहां पर मैं इस ब्रांड के साथ में आगे बढ़ सकता हूं और अपने इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर सकता हूं उस पैनल को। तो जल्दी से चुटकी बजाकर चलते हैं उस पैनल के सामने और शुरुआत करते हैं उस एआई टेक्नोलॉजी को समझने की। तो ये है डिजिटल बोर्ड इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल ट्विटर प्लस एक्स। देखिए, इसके एआई फीचर को एक्सप्लेन करूं उससे पहले थोड़ा सा ये तो जान ले कि ये कंपनी है कौन। हालांकि काफी नॉन है, कुछ लोग जानते भी होंगे, बट जो लोग नहीं जानते, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद, इसकी फंक्शनलिटी को देखने के बाद आपका मन करे कि इसी पैनल को अपने स्टूडियो में या अपने क्लासरूम में लगवा ले, बहुत अच्छी बात है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, एआई बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, इन्होंने अपनी एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया जो थी आयरिस बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब इस आयरिस की मदद से इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि आपका जो प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर को पहले आप ऑपरेट करने के लिए यूज करते थे अपना लैपटॉप, बट इन्होंने उसी प्रोजेक्टर को एक फ्लैट स्क्रीन पर टच स्क्रीन बना दिया, तो प्रोजेक्टर को टच में बदलने वाली थी ये कंपनी। उसके बाद में थोड़ा समय बीता और जब इंडस्ट्री में डिजिटल बोर्ड आए, काफ़ी महंगे थे डिजिटल बोर्ड, और उस समय पर ये इकलौती कंपनी थी जिसने यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसे जोरों शोरों से मैंने भी प्रमोट किया, क्योंकि उस प्रोडक्ट में बात ही कुछ अलग थी, जहां पर वो टीवी को कन्वर्ट कर देता था डिजिटल बोर्ड में। सिनारियो थोड़ा बदला, अब डिजिटल बोर्ड थोड़े सस्ते हो गए। तो क्या हुआ, फिर से ये अपनी वो आयरिस टेक्नोलॉजी इस डिजिटल बोर्ड में लेकर आ गए। मतलब अब तक इंडस्ट्री में जितने भी डिजिटल बोर्ड है वो आईआर टच टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये पहला डिजिटल बोर्ड है जो ऑप्टिकल टच टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें आयरिस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है। क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इस पैनल का एक्चुअल में राइटिंग एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, विंडोज और एंड्रॉयड दोनों पे ही बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। यूजुअली आप देखोगे कि नॉर्मल आईआर बेस्ड टेक्नोलॉजी के पैनल और इस पैनल में जब आप देखोगे तो बोलोगे यार बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूं वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने अलग अलग पैनल पे इसे टेस्ट किया है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, जब आप पैनल पे ऐसे लिखते हो ना, तो यहां पर देखो हल्का सा गैप आपको दिखेगा, ये गैप सबसे कम है इस पैनल के अंदर एज कंपेयर टू अदर ब्रांड। मैंने खुद ने टेस्ट किया है तभी जाकर इस प्लेटफॉर्म पे खुलकर ये बात बोल पा रहा हूं। तो राइटिंग एक्सपीरियंस लैग वाली जो प्रॉब्लम आती थी वो है ही नहीं इस पैनल में, ये कहे ना कि बराबर है, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस है कि मजा आ जाता है इस पर लिखने में। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसके एआई बेस्ड कुछ फीचर्स, सो दैट आपका भी दिमाग खुश हो जाए, आपका भी मन खुश हो जाए कि यार एक्चुअल में कुछ आया है मार्केट में नया। तो पहली फंक्शनलिटी समझते हैं जो कि मैंने बड़ी सोच समझ के बनाई है, इसके पीछे बहुत बड़ा मार्केटिंग और सेल्स का लॉजिक लगाया है। क्या है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है। यूजुअली आप अपने बच्चों से भी पूछते हो ना क्वेश्चन देने का, तो हम पूछ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, आप किस टाइप की ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं और करते, तो पहली कौन सी हो सकती है। अब यूजुअली क्या होता है, ऐसी क्वेश्चन आपके पास भी होते हैं, कई बार स्लाइड्स होती है, और आप क्या बोलते हैं अपने स्टूडेंट को, कमेंट कर बताओ भाई 6-6 7-7 हजार स्टूडेंट लाइव पढ़ते एक वीडियो में, बट क्या
तो यहां पर एक अच्छा तरीका क्या है कि हमने यहां पे क्या किया है, लाइव कीज का ऑप्शन दे दिया है। अब करना क्या है, चार ऑप्शन इसमें दिए हुए, क्रिएट कर लेते हैं इस क्विज को। और इस क्विज को क्रिएट करते ही हम सिर्फ क्या कहेंगे कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो या फिर आप इसे स्कैन करो और स्कैन करके इन चारों का आंसर दो और आने वाले 50 क्वेश्चन का भी आंसर दो, हम एक साथ रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो मैं अपना आईपैड उठा लेता हूं और आईपैड के अंदर कर लेता हूं रिकॉर्डिंग ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, हम स्टूडेंट को बोलेंगे भैया जाके इसको स्कैन करो। स्टूडेंट ने इसको स्कैन करके इस पर क्लिक किया और स्कैन करते से ही हो गई ओपन वेबसाइट। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नंबर डालेगा, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और नंबर डाल देता हूँ, और जैसे ही मैंने नंबर डाला मुझे चार ऑप्शन के यहाँ पर आ गए ए बी सी डी। अब जैसे इसको अपन ए बी सी डी कर लेते हैं, ये चार ऑप्शन आ गए। अब इन चार ऑप्शन में स्टूडेंट एक भी ऑप्शन पे क्लिक करेगा और आंसर सबमिट करेगा, और जैसे ही आंसर सबमिट हुआ आप देखोगे रिजल्ट वन सबमिशन डन, एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे। यूज केस क्या है कि जब 6000 बच्चे आपके लाइव पढ़ रहे हैं तो उनका डाटाबेस आपके पास में होना चाहिए। और कैसे आएगा, यूट्यूब नहीं देगा, कोई ऐप नहीं देगी, आप खुद लेके आओगे स्मार्टनेस के साथ में। देखो यहां पर आया, मेरा नाम आ गया और ये कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया और उसका आंसर भी आ गया। ये खूबसूरती है अगर हमें कोई कंपनी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी जनरेट करे। ये है सबसे बेस्ट एआई बेस्ड फंक्शन जो मुझे आपको बताना था, और भी है आगे बताता हूं। तो चलिए अगले एआई बेस्ड फीचर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, ब्राइट एआई। मतलब देखिए, हर टीचर को क्रिएट करना होते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्या लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेस सर्च करना एंड सब कुछ ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब कुछ इसी पैनल में इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक टॉपिक का नाम देना है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड दे देता हूँ, ऑनलाइन से रिलेटेड मुझे एक लेक्चर बनाना है। अब किस ग्रेड के लिए बनाना है, बेसिकली है तो क्लासरूम और टीचर्स के लिए, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हो। तो ये 12th ग्रेड के लिए अगर आपको बनाना है, इसके बाद में आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस्ड, तो मैं एक्चुअल में इसको ले लेता हूँ बिहेवियरल बेस्ड, राइट। और उसके बाद में स्ट्रक्चर कौन सा है, तो अभी स्ट्रक्चर का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिंगल वन स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे इसको जनरेट कर देता हूँ। अब जनरेट होने के बाद में देखिए स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉपरली सारे के सारे एक एक करके पेजेस बनते जा रहे, राइट। अब आप देखो कि यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट बन रहा है, और मज़े की बात क्या है इस सॉफ्टवेयर की कि ये सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज मशीन में लैपटॉप में भी लॉग इन हो जाएगा, तो आप ये सब काम पहले से ही करके रख सकते हैं। अब जैसे मुझे इससे रिलेटेड क्विज लेना है, मीडियम लेना है और एमसीक्यू टाइप पे लेना है, कितने चाहिए मुझे, चार क्विज चाहिए, मैं जनरेटर क्विज कर देता हूँ, तो मेरे चारों की चारों क्विज भी इसके अंदर आ गए। अब उसके बाद में मुझे कुछ इमेजेस की ज़रूरत है, तो मुझे इमेजेस भी लेना है, तो मैं वो इमेजेस भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमेजेस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली गूगल से ये इमेजेस फेच होके आ गई। वीडियोज़ अगर मुझे उससे रिलेटेड कुछ अच्छे मिलते तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वीडियोज़ के ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इसके बाद में बात करें असाइनमेंट्स की, तो यहाँ पे आप असाइनमेंट भी असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखो क्या करना है, तो मुझे जैसे ये पीपीटी वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट पेज जो है मेरा जो ये है इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट कर लिया मैंने, अब कुछ ही मिनटों के अंदर ये मेरा इंसर्ट हो जाएगा, एक एक करके ये मेरा इंसर्ट हो गया। उसके बाद में मुझे क्विज भी इंसर्ट करना है, तो मैं एक क्विज भी इसके साथ में इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ से कोई इमेज सही लग रही है, तो मैं एक इमेज भी यहाँ से ले लेता हूँ। अब इसमें से मुझे कोई इमेज पसंद आ रही है, तो मैं इमेज को उठा के भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये पूरा सिनारियो क्लोज। अब मैंने इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, जो मेरा एमसीक्यू था मैंने उठा के इसको यहाँ पे रख लिया। अब इस पूरे कंटेंट को मेरे को निकालना है, जो चीज़ काम की है लगना है रख लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है, मैंने इन दोनों को इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके इसको बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत चुटकियों में एआई की मदद से बना सकते हैं। तो ये फीचर भी एक्चुअल में गेम चेंजर है आपकी ऑनलाइन टीचिंग में। कुछ और फीचर के बारे में बताऊँ, यूजुअली होता क्या है आज के टाइम पे, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को
इस किसी भी सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या, पहले उसे पीडीएफ में लो, पीडीएफ में आने के बाद में वो आता है तो वो इतनी सी स्मॉल साइज का होता है, फिर उसको स्ट्रेच करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं। जैसे ही आप डालोगे आपसे पूछेगा भाई फिट टू स्क्रीन करना है या छोटी साइज में छोटा ही रखना है, ये एक एग्जाम्पल। इसके बाद में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, इतने सारे सारे के सारे टूल्स जो बेसिक अलग एंड्रॉयड पैनल्स में, विंडोज पैनल्स में अवेलेबल है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। नियर फ्यूचर इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक ये डिजिटल बोर्ड देख के आपको क्या कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, मुझे आप कमेंट करके बताइए। और जो QR वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया है ना, वो ऑप्शन 101% आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आपका नंबर मुझे मिलेगा, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं। देखिए यही तरीका है मार्केटिंग का। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ रहा हूं, तो मेरा सबसे पहला मोटिव है कि क्या है एक्चुअल में आज की डेट में मैं किसी और ब्रांड पे काम कर रहा हूं, ऑल्दो वो ब्रांड भी काफी अच्छे, खराब ब्रांड बिल्कुल नहीं, जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूं वहां पर मैं अपने मुताबिक, जैसे मेरे को ये लग रहा था कि यार लाइव क्लास वाला जो है ना QR कोड वाला ऑप्शन, मैंने ये चलो कोई तो है जो आपको हार्डवेयर के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुन के उस पर इम्प्लीमेंटेशन का वर्क कर रहा है, और यही एक रीजन है इस ब्रांड के साथ जुड़ने का। अगर आप ये पैनल बाय करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम इस पैनल को आपके अपनी लोकेशन में आकर इंस्टॉल करेगी। इसी के साथ साथ इसमें आने वाले नए फीचर्स चुटकियों में अपडेट होंगे। बेसिकली क्या होगा, आपको एक पॉपअप आ जाएगा, क्लिक करेंगे अपडेट हो जाएगा, बग दूर होंगे, सब कुछ होगा। देखो अगेन मैं आपको बता दूं, ये ब्रांड हार्डवेयर को लेके नया इन्वेंशन लेकर आई है, मगर इस सॉफ्टवेयर पे सालों से मेहनत कर रही है। ये वही सॉफ्टवेयर है जो ट्विटर प्लस डिवाइस में आपको मिलता है, और अब यही सॉफ्टवेयर आपको डिजिटल बोर्ड में मिल रहा है। सॉफ्टवेयर बड़ा एक्सपीरियंस है और कंपनी एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस कंपनी के साथ में अगर एजुस्कॉट का एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो 101% बात बनेगी, टीचर्स के हित में, क्रिएटर्स के हित में पैनल कुछ नया आयाम क्रिएट करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।